चलो बच्चों, अब हम हमारा लेसन नंबर 8.7 फन टाइम, जिसमें ज्वाइन द डॉट्स कंप्लीट द पिक्चर एंड कलर इट, यानी कि हम नुक्तों को मिलाकर एक तस्वीर को पूरा करेंगे और उसमें रंग भरकर अपना जो अंग्रेजी के लेटर है उन्हें तलाश करेंगे। तो हम हमारे पहले लेटर वी की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है अंग्रेजी लेटर वी। वी फॉर वेज। वेज मतलब गुलदान। वी का मतलब वी से वेज और वेज का मतलब गुलदान। तो चलिए, अब हम यहाँ पर ये जो वी देखा दिखाई दे रहा है, ये डॉट 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 हमें नजर आ रहे हैं, हम इन्हें मिलाकर वी बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं इस तरह से। ये बन गया हमारा वी। इसी तरह हम यहाँ पर ये जो वेज है, गुलदान है, इसमें भी ये डॉट डॉट दिए हुए हैं, हम इन्हें मिलाकर इस तरह से वी बनाएंगे। तो ये बन गया वी। चलिए, अब हम हमारे दूसरे लेटर डब्ल्यू की तरफ चलते हैं। ये है डब्ल्यू। डब्ल्यू फॉर वॉल। वॉल का मतलब होता है दीवार, जो हमारे घरों में होती है। तो चलिए, अब हम डब्ल्यू बनाते हैं इन नुक्तों नुक्तों को मिलाकर। यहां से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह, फिर ये ऐसे, और ये बन गया W। अब हम तस्वीर में चलते हैं तो यहाँ पर भी हमें नुक्ते नुक्ते दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन नुक्तों को मिलाकर यहाँ पर भी W बनाएंगे। ये बन गया W। तो चलिए, अब हम हमारे तीसरे लेटर X की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये है X। X फॉर एक्सरे। एक्सरे मतलब जब किसी के पैर में चोट आ जाती है तो डॉक्टर उसकी चोट को देखने के लिए कि कितनी गंभीर है, फोटो निकालते हैं, जिसे एक्सरे कहा जाता है। तो चलिए, अब हम इन नुक्तों को मिलाकर एक्स बनाते हैं इस तरह। फिर ये नुक्ते हैं, इन्हें मिलाएंगे। तो ये बन गया एक्स। फिर हम तस्वीर में चलते हैं। तस्वीर में भी डॉट दिए हुए हैं, यानी कि नुक्ते। अब हम इन नुक्तों को भी मिलाकर एक्स बनाएंगे। तो ये बन गया हमारा एक्स। तो इसी तरह अब हम हमारे अगले लेटर वाई की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, ये है वाई, अंग्रेजी लेटर वाई। वाई फॉर यॉर्क। यॉर्क एक भैंसे का नाम है, जिसे अंग्रेजी में यॉर्क कहा यॉक कहा जाता है। तब तो आइए हम यहाँ पर इन डॉट को मिलाकर, नुक्तों को मिलाकर वाई लिखना सीखते हैं। चलिए, ये देखिए, ये मिलाए हम, फिर यहाँ से ये इस तरह मिलाए, तो ये बन गया वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम तस्वीर में आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये यॉक का जो व यॉक की जो तस्वीर है, यहाँ पर ये डॉट दिए हुए, ये इस तरह, फिर ये इस तरह। तो ये यहाँ पर तस्वीर में भी वाई बन गया है। चलिए, अब हम हमारे अगले लेटर आखिरी लेटर जेड की तरफ आते हैं। ये है जेड। जेड फॉर जेबरा। देखिए, यहाँ पर ये जेबरा है, जो सफेद रंग का होता है और उसके शरीर पर काले रंग के पट्टे होते हैं। तो चलिए, अब हम जेड लिखना सीखते हैं। ये रहे नुक्ते। इन नुक्तों को इस तरह से हम मिलाना शुरू करेंगे। तो ये बन गया हमारा जेड। ठीक है, चलिए, अब तस्वीर में कहाँ पर है देखते हैं। तो ये जो हमें मुंह दिखाई दे रहा है जेब्रा का, ये यहां से डॉट शुरू हुए, इन डॉट्स को हम मिलाएंगे इस तरह। तो देखिए, ये तस्वीर में भी बन गया है जेड। है ना मजा, फन, हुनर, इसी को कहते हैं। तो इस तरह हमने हमारे पांच लेटर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, V फॉर वेज, W फॉर वॉल, X फॉर एक्सरे, Y फॉर यॉक, Z फॉर जेबरा। तो इस तरह हमने जो है हमारा ये लेसन पूरा कर चुके हैं। अब आप घर काम में ये जो तस्वीर यहाँ पर है, इसी तरह से
ये दो तीन चार और ये पांच, ये जो पांचों तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों में हम रंग भरे तो हमें अंग्रेजी के लेटर दिखाई देंगे। कैसे, देखिए मैं बता देता हूँ। ये जो वी हमने यहाँ पर बनाए थे तो इस तरह हम यहाँ पर किसी एक रंग से इसे रंग देंगे, फिर किसी दूसरे रंग से इसको भी हम रंग देंगे तो हमें ये वी जो है साफ तौर पर नजर आएगा। इसी तरह से आप अपनी किताब सफा नंबर 71 पर जाकर इस मश्क को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए हमारा यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। खुदा हाफिज़।